हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर, छोटे से चैनल पर। तो काफ़ी लंबे समय बाद एक वीडियो बन रहा है। ये वीडियो है मोटो जी 64 5G का अनबॉक्सिंग। दरअसल मैंने अभी अभी ये मोबाइल मंगवाया था और इसकी डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट हो गई। एक्चुअली ये किसी ऑनलाइन से तो नहीं मंगाया, लोकल शॉप है वहाँ से मैं मंगाया। इसका रिव्यू मैंने काफ़ी अच्छा देखा था और यह काफ़ी मेरे बजट में भी बैठ रहा था। इसका प्राइस है 17,000 यानी 16999 का, और इसके रिव्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छे आए थे, और तो इसीलिए मैंने ये मोबाइल ऑर्डर किया है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने मोटोरोला के मोबाइल यूज़ किया हूँ और काफ़ी अच्छे होते हैं इसका हार्डवेयर को लेकर, और ये काफ़ी लंबे समय तक भी टिकते हैं। हार्डवेयर में कोई इशू आता नहीं है, नो लैगिंग नो हैंग, और कैमरा भी काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। सबसे पहला तो मेरा ये था मोटो जी 2। मैंने नेक्सिस का यूज़ किया था, मोटोरोला का, और काफ़ी मोबाइल। आपको एक मोबाइल बता देता हूँ जो अभी तक मेरे पास चल रहा है। काफ़ी शोर शराबा हो रहा है घर में, लेकिन क्या करूं, मेरा बजट कम है, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बताया था, इससे पहले मेरा वाला मोबाइल, बहुत पहले वाला मोबाइल ये था, ये है मोटो जी 4 प्लस। ये अभी भी अच्छी तरीके से काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत स्लो हो गया है, लेकिन काम तो करता है ये मोबाइल अच्छे से। इसका कैमरा मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा है मोटो की सीरीज़ में। खैर ठीक है, इसको हम बाजू रख देते हैं। 2017 से ये मोबाइल मेरा साथ दे रहा है। बस इसकी बैटरी जो है वो 2050 आई थिंक थी, और काफ़ी लंबे टाइम तक तो टिक नहीं पाता। और आजकल के सॉफ्टवेयर काफ़ी हैवी हो गए हैं, तो इसीलिए मोबाइल सिर्फ कॉलिंग बेसिस के लिए ही यूज़ कर लेता हूँ। फिर भी हार्डवेयर को लेके, जैसा मैं कह रहा था, मोटो के हार्डवेयर काफ़ी बेस्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना और टाइम वेस्ट किए हुए हम इस मोबाइल को करते हैं अनबॉक्स। और अब मैंने ब्लेड ले लिया हूँ और इसको अब मैं काटूँगा, यानी इसका सील हूँ। ओके, पहले मैं आपको सील बता देता हूँ। ये सील है, इससे पहले ये सील नहीं खुली है। ठीक है, अब मैं इसे कैसा काटूँ यार, क्या ठीक है, कैमरा ही बंद करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों, बड़ी आसानी से खुल गई है सील। अब मैं इसे, इस बॉक्स को खोलता हूँ। टैडन, मोटो G64 5G। अब इसके बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहला दिखाई देता है मोबाइल। ओके, तो दुकान वाले भैया ने तो कवर लगा के दे ही दिया, तो इसके साथ आपको एक कवर मिलता है। इस कवर की बात करूँ तो ठीक है, वाइट है, वक्त के साथ ये तो येलो हो जाता है। और इसमें लिखा हुआ है ओके 50 मेगापिक्सल, अरे ऐसे तो कुछ होता नहीं है। मेन तो ये है, 6000 mAh की बैटरी, 30W टर्बो पावर चार्जिंग। ओके, इसमें 8GB रैम है और इंटरनल स्टोरेज है 128GB का। और ये कलर है मिंट ग्रीन, काफ़ी सुंदर दिख रहा है मोबाइल ये तो, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब इसके बॉक्स के अंदर हम देखते हैं क्या क्या आता है। ओके, अरे यार, अच्छा यार, पहले का तो हेडसेट वगैरह ये सब आता था, बट अभी तो मोबाइल वाले कुछ देते ही नहीं है। ठीक है, इसमें यूज़र गाइड है और एक टर्बो चार्जर है। ये ऐसा चार्जर आता है, बट ब्रांडिंग का है मोटोरोला की। ये इस पर कवर चढ़ा हुआ था, इसलिए मुझे कोई लोगो इसमें नहीं दिख रहा था। अब जाके खुला है, मैं तो डर गया था कि मैं यहाँ पे चार्जर तो नहीं गायब हो गया। चलो ठीक है, ये है ओरिजिनल चार्जर, इस पर है मोटोरोला की ब्रांडिंग,
और यह है 33 वॉट का चार्जर। ओके, और ये काफ़ी भारी भी है चार्जर। तो फाइनली मेरी गलतफहमी दूर हो गई, और अनबॉक्सिंग में भी एक छूट गया था क्योंकि इसकी पैकिंग काफ़ी बढ़िया थी, पूरे स्किन पैकिंग थी, तो इसे समझ नहीं आ रहा था मुझे, अब पता चल गया है। तो आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसके यूज़ करने के बाद कैसा है इसका भी रिव्यू डालने की पूरी कोशिश करूँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, वीडियो काफ़ी लेट लेट आती है क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है और बहुत बड़ा कोई चैनल नहीं है। जैसे जैसे मेरे पास कुछ आता है वैसे वैसे मैं अपडेट करूँगा। फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, गरीब का भला हो जाएगा।